हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मी एंड मम्मा। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज की चटनी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, इसे ऐसे लंबाई में मैंने काट लिया है। 7 से 8 कली लहसुन लेना है हमें, और कढ़ी पत्ता लगेगा इसमें हमें। हमें 1 टी स्पून हमें सौंफ लगेगा, 1 टी स्पून जीरा लगेगा, और 1 टी स पून हमें खड़ा धनिया लगेगा। मेथी दाने लगेंगे 1/2 टी स्पून, और लाल मिर्च लगेगी, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 टी स्पून लिया है मैंने अमचूर पाउडर, ड्राइड मैंगो और पाउडर, और लिया है उड़द दाल 1 टी स्पून, जिसे मैंने धो के रख लिया है। तो सबसे पहले हम तेल डालेंगे, और पहले हमें डालना है लहसुन, और जो मैंने ये सूखे मसाले रखे हैं इन्हें सेक लेना है हमें, सूखा हमें सेकना है। सौंफ, जीरा, मेथी, धनिया और खड़ी लाल मिर्च हमें सेक के फिर हमें इसे पीसना है। और इसमें डाल दूंगी मैं जो मैंने प्याज काटे थे, वो लाइट ब्राउन करना है इसे हमें। कड़ी पत्ता भी डालेंगे, ये मैंने सेकने रख दिया है, 5 मिनट लगेंगे हमें। गाइस देखिए, अभी हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से देखिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अगर आपको खटाई ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और फिर इसे हमें ठंडा करने के लिए रख देना है, और ये जो मसाले मैंने सूखे सेके थे इसे मैं पीस रही हूँ। गाइस ये देखिए, अभी हमारा प्याज जो है वो रेडी हो गया, प्याज और लहसुन जो हमने डाले थे, अब हम इसे पीसेंगे। और फिर हमने पैन में तेल भी गरम करने रखेंगे अभी हम तड़का देने के लिए। पैन में हम डालेंगे थोड़ा सरसों तेल, हम डालेंगे 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टी स्पून करायल, 1/2 कढ़ी पत्ता मैंने काट लिया है बारीक, उड़द दाल, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इसे, नमक, और जो हमने प्याज का मसाला तैयार करके रखा है ये बस हो गया हमारा तड़का तैयार। जो प्याज का मसाला रखा है वो डाल देंगे, इसे आप बर्नी में भर के आराम से रख सकते हैं,
अचार जैसे, और जब पराठा वराठा पूड़ी किसी के भी साथ खाने में ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो मैंने ये मसाले, सूखे मसाले जो सेक कर पाउडर बना के रखा था, उसके बाद हमें इसे डाल देना। अरोमा बहुत ही बढ़िया है। 2 मिनट और इसे हम थोड़ा भूजेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। मसाला इसमें काफ़ी बचा है तो मिक्सर में थोड़ा पानी डाल के हम इसे निकाल देंगे। काफ़ी सारा बच गया है। तो ये हमारा प्याज अच्छी तरीके से पक जाएगा। गाइस देखिए अभी हमारी चटनी रेडी है। तेल छोड़ दिया है इसने, अब हम इसे बंद करेंगे और इसे ठंडा होगा जैसे ही तो हम इसे बर्नी में भरेंगे। तो ये रेडी टू ईट है। इसे पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, जैसे आप खाएं, और स्टोर करके इसको रख सकते हैं 7 to 8 days। सो गाइस ये हमारी प्याज की चटनी देखिए रेडी है। इस तरीके से पूरा तेल ऊपर आ जाएगा और कलर इस तरीके से रहेगा। प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करिए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कैसी थी ये रेसिपी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।